नागिन 6 स्टार सिम्बा नागपाल ने अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर किया बड़ा खुलासा। तेजस्वी को बताया हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस। टीवी सीरियल नागिन 6 में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहा है और अब शो के मुख्य कलाकारों में से एक सिम्बा नागपाल ने शो के अपकमिंग ट्विस्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सिम्बा नागपाल ने एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हमेशा एक किरदार में बंद कर रहना किसी भी कलाकार के लिए अच्छा नहीं होता और एक कलाकार के तौर पर मुझे हर वो चैलेंज स्वीकार करना होता है जो मेकर्स की तरफ से हमें मिलता है। इशारों में ही सही, लेकिन सिम्बा नागपाल ने ये बता दिया है कि अब तक शो में उनका किरदार पॉजिटिव था और अब उन्हें नेगेटिव किरदार निभाने की चुनौती मिली है और वो उस नेगेटिव किरदार को एंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दें कि टीवी सीरियल नागिन 6 में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है। प्रथा जो बतौर शेष नागिन अब तक शो में नजर आ रही थी, अब उन्होंने शेष नागिन की शक्ति का त्याग कर दिया है और वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। प्रथा पर समायरा के कत्ल का इल्जाम लगा है और वो सलाखों के पीछे पहुंच गई है। बीते एपिसोड में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाया गया। अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है, इसका अंदाजा अभी से लगाना मुश्किल है क्योंकि प्रथा की वापसी किसी और किरदार में होती है या फिर हकीकत में प्रथा की मौत दिखाई जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रकाश के बारे में बात करते हुए सिम्बा नागपाल ने बताया कि वो बिग बॉस 15 के समय से उन्हें जानते हैं। तेजस्वी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगहों पर अच्छी केमिस्ट्री है और अच्छी बॉन्डिंग है। तेजस्वी एक हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है और वो अपने किरदार को बखूबी निभाने में विश्वास रखती हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।